તાલાલા કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભગવાન બારડને કોર્ટે સજા કર્યા બાદ તેમના સસ્પેન્શન અને તાલાલાની પેટા ચૂંટણી જાહેર કરવા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી હાથ ધરી હતી, જેમાં ગુજરાત ચૂંટણી પંચને ફટકો પડ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પેટા ચૂંટણી રદ કરવાનો ચુકાદો આપ્યો છે. જો કે પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ રવિવારે જ ભાજપે જસા બારડને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા હતા. मेरे को भरोसा था, सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं था. सरकार ने तो बिल्कुल अनलीगली किया था. मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैं ओपन भी बोल रहा था, मीडिया से माध्यम से भी मैं बोल रहा था कि मेरी ऊपर जो हुआ है गलत किया है सरकार. वो कायदे कानून में नहीं है, मेरे को मौका मिलना चाहिए. मैं इनके ऊपर मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में भी मैं वही बोला कि मेरे को अन्याय हुआ है. तो हाईकोर्ट में भी सरकार पीछे आ गई, कहीं गलत गलत बातें बता के हाईकोर्ट ने भी मना किया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया. और सुप्रीम कोर्ट में मेरे को भरोसा था, न्याय तंत्र में मेरे को पूरा भरोसा था. और मेरे को आज जो न्याय मिला है वो मैं न्यायपालिका का भी शुक्रगुजार करता हूँ, आप सभी मीडिया वालों का भी इतना शुक्रगुजार करता हूँ, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका, क्योंकि मेरे ये मेरे इश्यू के अंदर आप लोगों ने भी सत्य बात को उजागर करने के लिए बहुत से मेरे को आपने जो सपोर्ट किया है. असत्य के सामने सत्य का विजय हमने कोर्ट से मिला है पूरा. तो पहले तो ये पूरी जुडिशिएशन जितनी बढ़े इसका मैं शुक्रगुजार हूँ.